आज हम बात करते हैं गायनेकोमेस्टिया ग्रेड 1, 2 या 3 के कुछ ऐसे पेशेंट्स के बारे में कि उनका किस तरह से इलाज किया जाता है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उनका कोई निशान दिखे नहीं। मैं डॉक्टर गुप्ता हूँ, मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2000 बॉडी कटिंग सर्जरीज, और आज मैं आपसे बात करूंगा गायनेकोमेस्टिया के ऐसे पेशेंट्स की जो कि मोर देन 95% ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको गायनेकोमेस्टिया सफर होता है, वो होते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनमें हम ये टेक्निक करते हैं जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, जिसमें चेस्ट में स्किन में सामने की तरफ कोई कट नहीं आता, कोई निशान नहीं आता। लेट मी क्विकली रिवाइज कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होते क्या है गायनेकोमेस्टिया के। ग्रेड 1 ऐसा वाला गायनेकोमेस्टिया होता है या मैगूज होता है जिसमें जो ग्लैंड है या थोड़ा सा फैट है वो सिर्फ निप्पल के अराउंड है, निप्पल एरियोला के पीछे है और उसे ज्यादा फैला नहीं हुआ। ग्रेड 2 होता है जो आपके चेस्ट में, पूरी चेस्ट में आपका ग्लैंड और फैट है, बियॉन्ड द एरियोला ऑल्सो पूरी चेस्ट में है, ताकि आपका जो साइज है गायनेकोमेस्टिया का वो थोड़ा बड़ा है। ग्रेड 3 होता है जिसमें इस ग्रेड 2 के साथ साथ स्किन एक्सेस है, स्किन थोड़ी ज्यादा है, और ग्रेड 4 तो होता है जिसमें स्किन बहुत ज्यादा है और ग्लैंड और चेस्ट लटक गई है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आपको स्किन टाइटनेस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती या स्किन रिमूवल की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रेड 3 के कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो यंग है, उनकी स्किन टोन अच्छी है, स्किन टिश्यू की इलास्टिसिटी अच्छी है, तो हम कुछ इस तरह से सर्जरी करते हैं, इस टेक्निक से करते हैं कि उनको भी स्किन रिमूवल की जरूरत नहीं पड़ती। सो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के ऐसे मरीज जो कि यंग है, जिनकी स्किन टोन अच्छी है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये वाले जो सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स में हम कोई भी स्किन बिना निकाले, स्किन एक्सरसाइज बिना करे, चेस्ट में सामने कोई भी बिना कट दिए सर्जरी कर सकते हैं। सो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के वो पेशेंट्स जिनको, जो यंग है और जिनकी स्किन टोन अच्छी है। नाउ हम ये सर्जरी करते कैसे? मेरा ये मानना है कि जिसको भी गायनेकोमेस्टिया है उसको फ्लैट चेस्ट चाहिए ताकि वो टाइट टी शर्ट पहन सके, वो स्विमिंग पे और बीच हॉलीडे पे जा सके, बेयर चेस्ट घूम सके फ्री। अब अगर हमने उसको फ्लैट मैस्कुलिन चेस्ट दे दी और छाती के सामने, चेस्ट के सामने वो निशान दे दिया, वो टाइट टी शर्ट तो चाहे पहन ले लेकिन स्विमिंग पे और बीच हॉलीडे पे नहीं जा पाएगा। सो मैं जिस तरह से ये सर्जरी करता हूं, मेरे जो कंसेप्ट हैं, मेरा ये मानना है कि अगर मरीज को, इंडिविजुअल को पूरी तरह से सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करना है, उसको चेस्ट के सामने कोई निशान नहीं आना चाहिए। सो मैं इस तरह से सर्जरी करता हूं कि चेस्ट में साइड में कट देते हैं 3 to 4 millimeters का। जी हाँ, ओनली 3 to 4 millimeters, यानी लेस देन हाफ सेंटीमीटर। मैं टूल यूज करता हूं जिसको बोलते हैं माइक्रो एयर। सो माइक्रो एयर क्या होता है, वो अंदर जाता है और ऑसिलेटिंग डिवाइस होता है जिस तरह से वो ग्लैंड को छोटे से पार्ट्स में तोड़ देता है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट में हमने उनको ग्लैंड को तोड़ दिया और उसके बाद वो ग्लैंड के पीसेस उसी छोटे से कट से, 3 to 4 millimeter के कट से हमने निकाल दिया। इस तरीके से हम चेस्ट में सामने की तरफ कोई भी निशान नहीं देते, चाहे वो अराउंड द एरियोला हो, चाहे चेस्ट की स्किन में हो, कोई कट नहीं आता, कोई निशान। इसके बाद हम एक टूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वेजर, जो एक अल्ट्रासाउंड असिस्टेड टूल है। इस टूल को हम यूज करते हैं और उसी छोटे से कट से साइड में, बगल में अंदर जाते हैं और स्किन को अंदर से हीट करते हैं। ये स्किन जब हीट होती है तो स्किन श्रिंक हो जाती है ताकि स्किन सर्जरी के बाद लटके नहीं, सैग ना करे। ये स्पेशली यूजफुल है ग्रेड 3 के पेशेंट्स में, जिसमें अगर हमने ग्लैंड और फ्लैट निकाल दिया जो स्किन लटकने का डर रहता है, सो वेजर उस स्किन को टाइट कर देता है। अगर आपका यंग एज है, आपकी स्किन टोन अच्छी है, तो वेजर के यूज से आपकी स्किन अच्छे से टाइट हो जाती है और हम सर्जरी के बाद कंप्रेशन गार्मेंट भी पहनाते हैं ताकि स्किन टाइट हो जाए। सो हमने क्या समझा कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 गायनेकोमेस्टिया या ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया जो यंग एज है, जिनकी स्किन टोन अच्छी है, हम इस तरह से सर्जरी कर सकते हैं कि चेस्ट के सामने कोई कट ना आए, कोई निशान ना आए। लेकिन ये सर्जरी करने के लिए आपके सर्जन को एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको ये टेक्निक आनी चाहिए, उसके पास टूल्स होने चाहिए माइक्रोवेव और वेजर जैसे, ताकि ये सर्जरी हो सके, इस तरह से हो सके,
कि आपके छाती के सामने कोई कट कोई निशान नहीं आए। मेरा ये मानना है कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के लिए नहीं है, सिर्फ छाती कम नहीं करनी सिर्फ उसके लिए नहीं है, मरीज को मानसिकता भी ठीक करनी है, उसका जो इमोशनल मेंटल टर्मोइल है उसको भी ठीक करना है। अब एक बात बताइए, हमने फ्लैट चेस्ट दे दी लेकिन उसको निशान दे दिए जो दिख रहे हैं, हम उसका मेंटल इमोशनल टर्मोइल तो ठीक नहीं हुआ। सो मैं जिस तरह से सर्जरी करता हूँ, चेस्ट के सामने निशान अवॉइड करता हूँ, कोई भी विजिबल स्कार अवॉइड करता हूँ, चेस्ट के साइड में से कट देते हैं, माइक्रोवेव और वेजर टूल्स यूज करते हैं ताकि निशान नहीं आए नहीं दिखे। एक और फायदा होता है, आपका गायनेकोमास्टिया सर्जरी हो गया, अब आप ये नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले कि आपने कोई सर्जरी कराई है। सो आप अगर बीच पे वॉक कर रहे हैं बेयर चेस्ट, कोई आपको मिलता है वो चेस्ट के सामने कोई निशान ही नहीं देख पाता, वो बता ही नहीं सकता कि आपकी कोई सर्जरी हुई। जो साइड में जो निशान होता है वो 3 से 4 मिलीमीटर का होता है, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी मच्छर ने काटा, वो 6 से 7 महीने में इतना फेड हो जाता है कोई बता ही नहीं पाता कि कोई निशान है कोई सर्जरी है। सो आपका कोई सोशल स्टिग्मा अटैच नहीं है कि आपने कोई गायनेको को सर्जरी कराई है, कोई गायनेको मेस्टेटिक आपकी कभी कोई सर्जरी हुई भी थी या नहीं। ये फायदा है इस टेक्निक का। ये टेक्निक Grade 1, Grade 2 और Grade 3 के यंग पेशेंट्स में बहुत अच्छी फायदेमंद है और मेरे एक्सपीरियंस में मोर देन 95% ऑफ गायनेकोमेस्टिया पेशेंट्स इसी ग्रेड में होते हैं, उनमें हम ये टेक्निक करते हैं ताकि आपको कोई निशान ना आए और कोई स्कार ना दिखे। इस टॉपिक पे, इस विषय में आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई सवाल है, आप हमें लिख सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हैं, फोन नंबर्स भी आ रहे हैं वीडियो के एंड में, आप हमें कॉल करें, हमारे टीम से मेरे से बात करें, मिलें, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट वी कैन अपडेट यू ऑल अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड वी कैन हेल्प यू एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू, साइनिंग आउट नाउ, बाय बाय।